जी, सबसे पहले मिस अस्मा वसीम। सीधी तस्वीर आपने नहीं भेजी, साइट से भेजी है जिसके वजह से अल्फाज दिखेंगे नहीं सही तौर पर, बहरहाल अंदाज़ा हो जाता है। तो अलिफ बा वगैरह थोड़े से आपके सीधे हैं, यहाँ ये वाला अच्छा है, जीम बेहतर हो गया लेकिन ऊपर जा रहा है। ऊपर कैसा? ऊपर का हिस्सा कुछ बेहतर है, नीचे से ही ऊपर जा रहा है। दाल यहाँ से नीचे से ही छोटा पड़ रहा है और ये थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। रॉ में बेहतरी की ज़रूरत है, दरमियान वाला हिस्सा काफ़ी कमज़ोर है। सीम के दंदाने बड़े हो गए हैं और बिल्कुल सीधे हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर ये हिस्सा नहीं बनाया आपने और ऊपर से नहीं लेके आई। अंदर का खला इसका छोटा है और ये सीधा सीधा आ गया। ऊपर का हिस्सा अच्छा है, यहाँ भी अच्छा है, ये छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, तो सीधा सीधा आ रहा है, इसको नीचे की तरफ लेके आना है। तो का अलिफ सही जगह पर नहीं बना और आइन बिल्कुल उर्दू की तरह गोल गोल हो गया है, इसको जीम की तरह लाना है। आइन के ऊपर वाले हिस्से पे आपने बहुत काम करना है। फा थोड़ा सा नीचे आएगा, इसके दरमियान में यहाँ पर फासला आएगा। काफ अच्छा बनाया आपने लेकिन काफ के ऊपर दो नुक्ते नहीं आएंगे, यही दो नुक्ते हैं काफ के। काफ बेहतर है, लाम भी बहुत अच्छा है लेकिन साइज के अतबार से छोटा है। मीम नून की बारी अभी नहीं आई। इस पे काम कीजिएगा। सबने इस तरह से अपना नाम लिख के भेजना है उसी कागज पर, मैसेज पे नहीं लिखना, कागज पर अपना नाम लिख के भेजना है। क्योंकि अब जब मैं कागज शो करता हूं तो मैसेज का नाम तो मेरे सामने नहीं आता, लिहाजा उसी कागज पर अपना नाम लिखना है जिस तरह यहाँ नूरुल फातिमा का नजर आ रहा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। अरिफ बहुत अच्छा है, बा बहुत अच्छा है, ता जीम बहुत अच्छा है, दाल भी रॉ भी। रॉ को नशिस्त पे लाना है आपने, ऊपर चला गया है ये रॉ, थोड़ा जल्दी नीचे आ गया, इस हिस्से को थोड़ा सा पहले लेके आए। स्वाद भी अच्छा है, अलबत्ता ऊपर से थोड़ा सा सीधा हो गया, थोड़ा सा गोल बनाना है और इस नुक्ते को फौरन ऐसे नीचे लेके आए। बहुत वैसे अच्छा है, सीन का ये हिस्सा कमज़ोर हो गया, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। काफ का हमजा इस पे गौर करना है आपने, इसी तरह ये थोड़ा सा और नीचे से आएगा, इसको देखिए आप ऊपर से नाम बहुत अच्छा है। आइन का सर नीचे ज़्यादा झुक गया, फा को यहाँ से लेके आना है, फिर ये बनाना है। काफ अच्छा है माशाल्लाह। तो इन हिस्सों पर मजीद गौर कीजिएगा, अच्छा काम है आपका। जी, मिस तस्कीन का काम है, स्याही से किया करें, ब्लैक इंक यूज किया करें। थोड़ा सा अलिफ यहाँ फैल गया, है ठीक, बा चौड़ा हो गया, ये बा चौड़ा हो गया है, इसको देखें। और अच्छा है, यहाँ पर पूरा कलम नहीं लगा, यहाँ पर भी नहीं लगा, यहाँ पर भी नहीं लगा। इसी तरह जीम का सर बड़ा हो गया, धड़ छोटा हो गया, इसको देखना है आपने, सर और धड़ बराबर हो गए, जबकि इसका धड़ एक नुक्ता आगे आता है, यहाँ पर एक नुक्ता आगे आता है। दाल अच्छा है, रॉ अच्छा है, सीन के दायरे छोटे हो गए, यहाँ ठीक है, इस पे काम करना है आपने, इस पे काम करना है। अरिफ बहुत अच्छा हो गया, दायरे पे मेहनत करनी है। फा को यहाँ से लेके आए, मैं दोबारा बताता हूँ, काफ छोटा हो गया, नुक्ते छोटे हो गए, आइन ये वाला हिस्सा ठीक नहीं बना, ये वाला हिस्सा अच्छा है, काफ का साइज छोटा है अच्छा काफ लेकिन साइज छोटा हो गया, ये वाला बिल्कुल ठीक नहीं बना। अपना कलम, अपनी स्याही, रोशनाई, कागज ये अच्छा रखें, किसी के उसमें मसला है तो वो मुझे दिखा भी सकते हैं तस्वीर भेजकर या वीडियो की सूरत में, तो उसका इलाज उसको बताया जाएगा। ये दायरे छोटे हो गए हैं, ये हिस्सा दौद में भी और शीन में भी काबिल गौर है।
काम अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है तस्कीन, और मेहनत कीजिएगा आप। ओके सर। सरसों मसरूफ होते हैं ना, इस जी वजह से जी मैंने कहा आप मसरूफ होते हैं ना, तो फिर वो इस वजह से भेज तो देते हैं लेकिन नहीं होता आपकी मसरूफियत की वजह से। मसरूफियत भी होती है, क्लास में कर लिया करें। क्लास में यह है कि क्लास का वक्त सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, तो वो उसमें हम इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू कर लिया करेंगे। माशाल्लाह जी, उस्ताद साहब ये मुतमईन। वाले जो हुरूफ हैं माजद के साथ, जी, ये जो है ना 3 नंबर की कलम से ही बनाने हैं ना? 3 mm से बनाए या 2 mm से बनाए, तो बस इससे ज्यादा ऊंचा ऊपर ना हो कलम। अल्फ अच्छा है, ता अच्छा है, बा को थोड़ा सा ऊपर, ये सीधा चला गया आपका, ये बा यहाँ आएगा इसके बराबर। जिम का ये सच्चा है, इसको आपने और नीचे करना है। दाल को थोड़ा सा कम घुमाएं, रॉ अच्छा है, यहाँ से और इसको पुर करें, और ये रॉ बहुत ज्यादा तिरछा हो गया, इसको नीचे लाएं इसे। बाकी अच्छी कोशिश है माशाल्लाह। अच्छा, आपकी तस्वीर ये थोड़ी सी दूसरे अंदाज में आएगी स्क्रीन पे। इसके लिए जरा स्क्रीन को यूं करना पड़ेगा। माशाल्लाह जी, मिस सना, आपका काम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ी खुशी हो रही है, और ऐसा काम मुझे औरों से भी इस किस्म की उम्मीद करता हूँ। यहाँ थोड़ा सा आपने काम करना है, बिल्कुल ये वी ऐसे बन गया, ऐसे बन गया ये, जबकि इसको ऐसे बनना चाहिए था। ठीक है, इसको देखिएगा, काफ को देखिएगा, काफ का दायरा बिल्कुल गोल हो गया, आइन बहुत खूबसूरत है। अल्लाहुम्मा जिद व बारिक। ये एक इनका काम है, मिस हुमा आपका। अलिफ का रुख बेहतर करना है, ये सीधा सीधा आ गया ऊपर से नीचे की तरफ, और कलम आपका बहुत चौड़ा हो गया, ये भी बिल्कुल सीधा आ गया। शक्ल अच्छी है लेकिन कलम का रुख ठीक नहीं है। जिम बहुत अच्छा है, दाल का ये सब बहुत मोटा हो गया, यहाँ पतला करना है, रॉ नहीं बना आपसे। सीन में पूरा पूरा कलम नहीं लगा यहाँ पर दायरे में, और ये हिस्सा छोटा और ये सब बड़ा हो गया है। रॉ को देखना है आपने, तो में ये ऊपर चला गया, उसको नीचे लेके आना है, अलिफ यहाँ लेके आना है। सीन अच्छा है, इसका ये दायरा छोटा हो गया, ये ऊपर चला गया, ऊपर से ये नीचे की तरफ आएगा, फिर दायरा बनेगा, दायरा पूरे कलम से नहीं है यहाँ, ठीक है। तो आपको कलम पकड़ने में और उसके रुख में मसला हो रहा है, तो इस पे गौर कीजिएगा, इस पे हम बात करते हैं इंशाल्लाह आज। के साथ साथ हमारे पास मिस अस्मा मौलादात का काम है। ये बड़ा बना दिया, तो अच्छा है, ये हिस्सा भी बड़ा हो गया।
उसको भी देखिए, ऐन बहुत अच्छा है, ये ज्यादा बाहर निकल गया एक नुक्ते से ज्यादा। इसको देखिएगा, फा बहुत अच्छा है, काफ बहुत अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ थोड़ा सा पतला हो गया है ये हिस्सा इसके मुकाबले में, इसको देखिएगा। और ये यहाँ पर चोंच निकल गई है, यहाँ गोलाई होगी और फिर ये बनेगा, यहाँ पर गोलाई होगी लाम का ये हिस्सा। यहाँ पर आकर आप कलम ठीक नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से ये हिस्सा मुतासर है। इस पे आपने मेहनत करनी है, ये कलम के जरिए मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। ये जो आपने लिखा है अस्मा, एक तो ये कि अस्मा में ऐसे करके जब आप यू बनाती हैं फिर मीम बनाती हैं, तो ये तो सीन है और ये मीम है, ये क्या है बीच में, तो ये तो एक एक्स्ट्रा शोशा हो जाता है। इसीलिए अस्मा जब भी लिखना है तो दंदाने वाले मीम के साथ लिखना, और सीन की जो अलामत आती है वो नीचे आती है, ऊपर नहीं आती। इसको देख लीजिएगा, बाकी हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मिस हुमा, कलम सीधा सीधा रखा होगा तो फिर ये ऐसे मोटा मोटा आएगा। कलम तिरछा रखना है 60 के जावे पे, फिर ये सीधा लेके यहाँ पे इसको इधर लेके जाना है 60 के ही रुख पर, और फिर तिरछा ही लेके आना है कलम करो तिरछा। तो अब इसके साइज पर और इसके साइज पर गौर करें, दाल में ये किया, अब यहाँ पर आपने फिर ऐसे मोटा कलम रखा तो ये हिस्सा पतला ही नहीं हुआ, तो ये करके यहाँ कलम रखना है, लेकिन तिरछा आएगा और फिर स्लाइड करके आएंगे ना, तो ये हिस्सा थोड़ा पतला होगा और ये हिस्सा फिर मोटा हो जाएगा। इसी तरह सीन स्वाद वगैरह के दायरे में भी ये ऊपर से नीचे लाते हैं, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं तो पतला हो जाता है, फिर जोड़ में कलम रखते हैं आधा कलम। ये देखें, जब हम ये हिस्सा बना के आधा कलम रखते हैं तो नीचे नहीं रखेंगे या बिल्कुल ऊपर भी नहीं रखेंगे, आधा कलम यहाँ स्याही में, आधा कलम सफेदी में ऐसे, और फिर ऐसे दायरा बनाएंगे तो ये हिस्सा थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है। काफ लाम में जो आप लोगों की गलती है वो ये कि ये बना के फिर आप लोग यहाँ तिरछे कलम रखते हैं, जिसकी वजह से ये पतला हो जाता है, तो कलम को 60 के जावे पर ही ऊपर रखें और ऊपर से ही लेके आए, जहाँ रोका था वहीं पे रखेंगे तो फिर ये हिस्सा ज्यादा पतला नहीं होगा। तब सीन के शोशे बनाते हुए ना फैल जाते हैं। सीन के शोशे, एक तो आपको ये देखना है कि ये जो खफी खतूत होते हैं ना, यानी छोटे खतूत जो लिखते हैं आप लोग, रुका, दीवानी, नस्ख, इनमें स्याही का तनासब कम रखना पड़ता है, यानी ज्यादा आपकी जो इंक हो उसका रेशो कम हो, धागा आपका ज्यादा ऐसे डूबा हुआ ना हो स्याही में, बल्कि बस गीला हो, तो इस चीज को आप देखें, बिल्कुल तर ना हो ऐसे कि वो डूबा हुआ नजर आए, उस सूरत में फिर इंक ज्यादा आ जाती है कलम पे, तो इस मकदार को आपने बड़े एहतियात से समझना है
और फिर आपने लिखना है ताकि मतलूबा मकदार के मुताबिक आपकी जो स्याही है वो कलम से नीचे उतरे। अब ये नीचे 20 के जाविये पे आएगा, ये आधा नुक्ता, ये एक नुक्ता, फिर यहाँ रखें कलम इसके बराबर। आइन में किसी से ऐसे गोल हो रहा है आइन, जो मैंने उमूमी गलती बताई थी, और किसी से ऐसे हो रहा है कि बहुत झुक रहा है नीचे की तरफ, तो ये चीजें नहीं करनी, बल्कि नुक्ता है स्क्वायर नुक्ता, फिर ये गोल हो रहा है, ये हिस्सा जरा तना हुआ है और इसमें लचक है, गोलाई। इसको जब आप बनाते हैं जीम में या आइन में, फिर आप लोग ऐसा करते हैं कि ऐसे ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर नहीं है, ये इधर है, आहिस्ता से हल्का सा ऊपर जाएगा, लेकिन उस तरफ जाता हुआ महसूस होगा, तो ऊपर जाता हुआ महसूस नहीं होगा। फा में जो गलती नजर आ रही है वो ये, उस्ताद जी जी से, ये पूछिए। फा का जो गोल है ना, ये थोड़ा मोटा बन रहा है, मतलब इतना छोटा नहीं बनता। फा की गोलाई ना थोड़ी मोटी आ रही है, थोड़ी छोटी नहीं बनती उसके कलम। मोटी मोटी इसलिए आती है कि जब आप ये रखते हैं तो आप उसको पूरा एक दूसरे के बराबर घुमाते हैं, आप पूरा एक दायरे के मुताबिक, एक दायरे की मकदार के बराबर घुमाते हैं। जब दायरे की मकदार के बराबर घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है ये फिर मोटी बनेगी। आपने दायरे की मकदार के मुताबिक नहीं घुमाना, बल्कि अगर आप मिसाल के तौर पर ये आपका एक दायरा है, अब आपने हाफ दायरा, ठीक है, हाफ दायरा, आधा दायरा आपने इसको घुमाना है, ज्यादा ना घुमाएं, ऐसे फौरन गोल करें, अगर ज्यादा करेंगे तो फिर ये पूरा बड़ा बने, ऐसे नहीं, फौरन वापस पलटें और फौरन यू टर्न इस तरफ आना है ताकि यहाँ पर फासला नजर आए, और फिर यहां से नीचे पूरा बा बना देना आप, ये चीज। इसी तरह काफ जिन लोगों से गोल हो गया है, सर तो फा की तरह ही बनेगा, लेकिन ऐसे जिनसे गोल हो गया है तो ये ठीक नहीं है, ये दीवानी में होता है, रुका में ये है कि इसको थोड़ा सा यहाँ से तिरछा आता है, स्लाइड की छत फिर ये ऊपर और फौरन इधर आ जाता है, यहाँ एक नुक्ता गोया के समा जाए। स्वाद में गलती ये हो रही है, ये तो ठीक बना रहे हैं आप लोग, लेकिन ये ऊपर से नीचे आएगा, सीधा लेके आ जाता है आप, ऐसे ऐसे लेके आ जाते हैं, ऊपर से नीचे आए, यहाँ पर आधा नुक्ता बचे, फिर ये दायरा। तो में भी ये करना है कि ये किया, ऊपर से नीचे आए, फिर सीधा चले गए। इसकी जो सफेदी है ना अंदर की, इस सफेदी के बराबर यहाँ पर अलिफ आएगा, दो नुक्ते आगे बढ़ेगा बस। इसके अलावा दाद या शीन वगैरह, तो उसमें ये देखें, हल्का सा ऊपर उठाएं, फिर वी शेप में 45 डिग्री पर, 45 के जाविये पर आना है, फिर उसके उलट जाविये पे जाना है कि यहाँ अंदर एक नुक्ता समा जाए और ऊपर दो नुक्ते समा जाए, फिर वापस ये नुक्ते बन गए, और इसका जो है आधा और एक, डेढ़ नुक्ता ये नीचे हो, सतर पे आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये गलतियां आपको समझ में आ गई होंगी, अलिफ वगैरह के रुख बेहतर कीजिए। इसके रुख बेहतर कीजिए, 97 के जाविये पे हो, बिल्कुल सीधा बनाते हैं तो ये ठीक नहीं है, बा वगैरह भी ऊपर से नीचे आने चाहिए, ये इसके बराबर। तो ये आप लोगों के काम की असलाह थी आज की, अब बढ़ते हैं
आगे काफ लाम को भी देख लें, काफ का मैंने बताया, और काफ के हमजा के हवाले से ये यहाँ गोलाई, यहाँ ऊंचाई और ढलान, बिल्कुल नोक नहीं बनानी ये चीज। तो आप आधे कलम से बना, आधे कलम से बनाने के लिए चाहे इस कलम के आप ऊपर का आधा हिस्सा इस्तेमाल करें या फिर कोई दूसरा कलम इस्तेमाल करें, इससे आधा उससे बना सकते हैं आप ये वाला। ये इस्लाहात थी। हम आज के काम की तरफ बढ़ते हैं, और आज मीम की बारी है। मीम के लिए कलम आपका 60 पे है, फिर आपने इधर घुमाया, पहला स्ट्रोक है, रखा और ऊपर से नीचे ये बराबर हो गए, फिर ऊपर वाला कलम आकर ऊपर वाली नोक यहां से आएगी और नीचे वाली नोक यहां से आएगी, इस नोक को ऊपर से आने वाला स्ट्रोक कवर कर देगा। ये आपने फिर आगे आना है और दो नुक्ते आगे आना है, एक तो यहाँ ये नीचे कितना गिरेगा, एक नुक्ते के बराबर ये नीचे गिरेगा और दो नुक्ते ये बाहर आएगा। जब ये बना दिया, यहाँ लाकर कलम को सीधा करके एक नोक नजर आनी चाहिए यहाँ पे, दोनों नोके नहीं, यहाँ पर मुलायम हो जाएगा ये हिस्सा, थोड़ी सी गोलाई में आ जाएगा ये। अब जब गोलाई में आया तो फिर आपने कलम को तिरछा रख के ये हिस्सा बनाना है, यानी कलम को यहाँ रखा, ऊपर वाली नोक यहाँ रखी और तिरछा घुमाते 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 कलम मेरा ऐसे घूम रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पतला हो रहा है, ये देखें ये पतला हो गया, ये पतला हो गया, यहाँ आधा नुकता, यहाँ आधा नुकता, इस लाइन से ये शुरू हुआ और इस लाइन पे खत्म हुआ, और ये एक दो तीन नुक्तों का होगा, यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, उसको देखिए पहला स्ट्रोक यू, दूसरा स्ट्रोक यू, इसकी आंख बंद होगी, तीसरा स्ट्रोक यू, ये पतला करना है आपने। इसमें मैं उमूमी गलतियां बता दूं, गलती होती है कि या इसको बहुत ऊपर ले जाते हैं, ऐसे सीधी लाइन की जाए तो यहाँ पर फासला होता है, ऐसा नहीं करना, और फिर दूसरी गलती ये होती है कि ये करके सीधा ले आते, सीधा भी नहीं है, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, वही 20 का जाविया, और फिर एक गलती ये होती है कि ये करके पूरे चौड़े कदम से ऐसे आते हैं, एक और दो दोनों नोके नजर आती हैं, ऐसा नहीं है, या फिर इसको ऐसे करके यूं सीधा कलम ले आते हैं, पतला बन जाता है इसका उलट, ऐसा भी नहीं है, या फिर ऐसे करते हैं कि पूरा यहाँ पतला ले आते हैं, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल पतला नहीं, हल्की सी शुरू में मोटाई है और फिर कलम घुमाते 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 सीधा कर पतला करते। तो ये सारी गलतियां आप नहीं दोहरानी। जी, किसी का कोई सवाल है? सर, इसका एंगल क्या बताया था आपने?
किस हिस्से का एंगल? ये जो मीम का हेड बनाया आपने, ये तो 60 है, 60 पे कलम रख के फिर आपने इधर आने सीधा। ओके सर। फिर ये 20 पे आएगा। अच्छा, ये जो स्ट्रोक होता है खतरुका में, जो हम उफुकी स्ट्रोक्स लेके आते हैं, हॉरिजॉन्टल जो आते हैं, तो इसमें आपके पास गुंजाइश है कि आप, जैसे कि ये 90 का जाविया है, ये 45 का जाविया है, अब आप इसकी गुंजाइश है कि आप 20 और 30 के दरमियान दरमियान रहे, यानी ये जितने भी आपके ऐसे हरूफ आ रहे, तो इसमें आपके पास गुंजाइश होती है कि आप ये दो जाविये इस्तेमाल करें, यानी जैसे बा है तो आप इसको कम तिरछा और ज्यादा तिरछा। अब ये 20 का जाविया है और ये 30 का जाविया, ये दोनों दुरुस्त है। सर तो ऐसे सीन में मीन, भी आता हाँ, सीन में भी सी आता है, हो तमाम रहा जी। तमाम 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 हरूफ में, लेकिन इसमें मीम में आपको ज्यादा महसूस होगा इसमें। तो इसमें आपका ये 30 का जाविया बनता है, इसको आप नोट करें। फा में, बा में, मीम में ये ज्यादा नजर आता है, जबकि दायरों में, जो जैसे कि दायरों में ये वाले स्ट्रोक हैं, तो ये इतने गहरे नहीं होते। ये आपके वही 20 का एंगल ही बनेगा। तो मतलब 20, 25, 30, ये इसके दरमियान आप चल सकते हैं, 20 से कम नहीं, 30 से ज्यादा नहीं, इसको आप अच्छी तरह समझे। अब इसमें फिर मिजाज बनता है खत्तातों का, साफिजा का, मुख्तलिफ मिजाज होते हैं, उसके मुताबिक कोई ये ज्यादा तिरछा रखता है, किसी आदत कम तिरछा रखने की होती है, तो ये आपको मुख्तलिफ चीजें देखने को मिलेंगी जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। आज हमारी कौन सी क्लास है? पांचवी, थर्ड या फोर्थ है। जी पांचवी क्लास है। अच्छा, मेरी गुजारिश होगी आप सबसे कि जिन्होंने फीस की अदायगी नहीं की तो वो फीस की अदायगी मुमकिन बनाएं, क्योंकि फिर दूसरा महीना आ जाएगा, 8 क्लासेस हो जाएंगी, तो फिर मुश्किल होगी आप लोगों के लिए। तो पहले महीने की फीस जिनकी अदा नहीं हुई, तो वो जिस कदर मुमकिन हो अदा कर दें, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और हमारे लिए भी आसानी। बाकी ये कि ये चीजें मैं मीम के बारे में बता रहा था, तो मीम को 60 पे रख के सीधा लेके आएंगे राइट पे, और फिर ऊपर से नीचे 20 से 30 डिग्री के दरमियान दो नुक्ते आगे बढ़ेंगे, एक नुक्ता इसकी गहराई है, यानी एक नुक्ता ये नीचे आया है, अब यहाँ रख के घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, एक दो और तीन नुक्ते के बराबर ये हिस्सा। ये जो मैंने लाइन बनाई है, इसका मकसद ये है कि मीम की जो नशिस्त है वो आधी सतर से नीचे है। इसको ऐसे देखें तो हमारे ये दो नुक्ते यूं बनते हैं और तीन नुक्ते, टोटल 5 नुक्तों का ये हो गया। और ये जो इसकी जुल्फ है या इसकी जो टांग है, वो आधी सतर से नीचे होती है। मीम के बाद बारी आती है नून। नून दो किस्म का होता है खत रुका में, और बल्कि तीन किस्म का होता है खत रुका में। नून तीन किस्म का होता है उस्ताद उस्ताद इज्जत ने तीन किस्म के नून लिखे हैं। पहली किस्म ये दाल की तरह थोड़ा सा कम तिरछा, यानी 97 पे, फिर हम इसको हल्का सा नीचे लाएंगे हाफ की तरह,
ऊपर तिरछा काफ की तरह आप नुक्ता बनाती है। टोटली लंबाई इसकी दो नुक्ते हैं और अंदर इसके सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता समा जाता है, बस इतना फासला हो अंदर। ये नून का नुक्ता है, बस ये है छोटा नून। ये अकेला इस्तेमाल होता है हमेशा, यानी मिला के नहीं बनता किसी लफ्ज के साथ, मिल के ऐसे नहीं बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मीम बनेगा तो बा और मीम लिखना है, तो हमने ये बा और फिर मीम, मीम की यही शक्ल रहती है, उसके साथ जस्ट बा जुड़ जाता है। लेकिन नून में फिर ऐसे नहीं है, ये नून की इंडिविजुअल और इनफरादी शक्ल है। नून की एक दूसरी शक्ल है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो फिर मिलके बनती है। ये शक्ल में जाकर मिलने की सूरत में, यानी अगर किसी हर्फ के साथ मिल जाएगी, जैसे बा के साथ मिलाते हैं, ये बा लिखा हमने और फिर नून इस किस्म का होगा, ये तो वो ये शक्ल बन जाती है। ये शक्ल भी आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ये बा नून है, ये फी की शक्ल में, जिस तरह शीन और दौद आपने पढ़ा। ये मीम की पहली शक्ल। अब मीम की दूसरी शक्ल के बारे में बताता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ सीन का दायरा जो आपने बनाया है, सेम टू सेम आपने वो दायरा बनाना है, सीन वाला दायरा बनाया आपने ये दो नुक्तों का, एक और दो, यहाँ से एक दो और ढाई, फिर इसके बराबर रहते हुए पतला करके एक पूरा नुक्ता बना देंगे, इसके अंदर की तरफ नुक्ता आएगा, तो ये आपका नून की दूसरी किस्म। फिर देखिएगा नून की दूसरी किस्म, पूरे सीन के दायरा में, ये नून का दायरा। और इसका जो नुक्ता है, वो नुक्ते में आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि इसका नुक्ता आप रुका के नुक्ते के साइज का बनाएं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसका नुक्ता एक पूरा मुरब्बा बनाएं, यानी स्क्वायर। तो ये दोनों ठीक है। ये नून की दूसरी किस्म थी। तीसरी किस्म नून की ये है कि आप वी शेप बनाएं, बस ये है नून। ये दो नुक्तों का, यहाँ अंदर एक नुक्ता समा जाए, ऊपर इसकी सफेदी दो नुक्तों की हो, नून का नुक्ता आ गया, ये नून की तीसरी किस्म है। और इसी को मिला के लिखते हैं तो ये बनता है बा नून, मीम मीम नून। तो आके जब आपको ये बनाना आ जाएगा, फिर आपके सारी तख्तियां, आने वाली सारी तख्तियां आपके लिए आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह जी। ये नून है खते रुका में, और खते दीवानी में ये ता है, खते दीवानी में ये ता है ये खते दीवानी, और खते रुका में नून है। ये मैं आपको बताता हूँ, आपके पास जो मैंने कुरासा भेजा आप लोगों को, उसकी फोटोकॉपी मौजूद होगी, उसमें अगर आप गौर से देखें तो ये देखें, बहुत छोटी इज्जत में, बहुत छोटे कदम से लिखा है, इसलिए बड़ा छोटा है। ये नून है, यहाँ आप देखिए, ये आपको नजर आएगा, ये ना, एक दो तीन, यहाँ बड़े वाले में नहीं बनाया उन्होंने, यहाँ एक ही बनाया, दूसरा बनाया, उसके बाद वाव बना दिया। लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने लिखा है, तीन कलम से लिखा है, तो तीसरे कलम में, ये दूसरे में यहाँ और यहाँ ये बना दिया है, यहाँ पर ये मौजूद नहीं है, इसलिए तसल्ली कर लीजिए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई।
अब हमारे पास आ जाते हैं पाओ। मैं आपको वाओ तक दूंगा आज, और दो चश्मे हा और सिंगल हा, फिर लाम अलिफ और या, ये इंशाल्लाह हम जो मैं की क्लास में करेंगे, ताकि आप पर एक दिन में ज्यादा बोझ ना पड़े, क्योंकि नून तीन किस्म के हैं, मीम है तो मीम, नून नून नून, वाओ आपके पांच हरूफ हो जाएंगे। वाओ के लिए आसानी यह है कि फा का सर बनाया, फा का सर बनाया, थोड़ा सा नीचे आए आधा नुक्ता, वाओ के सर से नीचे आए और फिर रॉ का धड़ बना दिया, तीन नुक्तों का। वैसे रॉ दो नुक्तों का, ढाई नुक्तों का होता है जब अकेला लिखा जाए, लेकिन रॉ की जो शक्ल वाओ में बनती है उस वक्त ये एक दो और तीन नुक्तों का बन जाता है। यहां से देखेंगे तो एक दो और ढाई नुक्ते, और लंबा करना चाहें तो इसको तीन नुक्तों के बराबर भी बना सकते हैं, लेकिन इसका मैं बता दूं ये आपका तीन नुक्तों का होगा, और ये यहां पर नेगेटिव स्पेस नजर आना चाहिए, यहाँ पे एक नुक्ते का और बाकी हिस्सा दो नुक्तों का। ये जो स्पेस है ये बनाने के बाद ये आपका नजर आना चाहिए, जैसे फा में नजर आता था, उसके बाद आप रॉ का ये हिस्सा बनाएंगे। बात क्लियर हो गई? ये आपका पैंतालीस का जाविया है, नब्बे के, नब्बे का हाफ करते हैं तो 45 होता है, और फिर बाकी जाविया आप देख लें, वो जो आपके पास डी है वो डी बना के वो देखें ज्योमेट्री में, अपने बच्चों की ज्योमेट्रिया खंगाले उसमें देख लीजिएगा। आज के हरूफ में एक दफा फिर लिख लेता हूँ और फिर ये आपका सबक होगा। यहां लाके कलम को रोक दें, ये सत्र है, इसका जो नुक्ता है आप इसके बराबर लाकर भी खत्म कर सकते हैं और आधे हिस्से में भी खत्म कर सकते हैं। कलम 60 के जाविये पे चलें, रखें, फिर इंशाल्लाह ये खुद बहुत दुरुस्त हो जाएगा आपसे। जैसे जैसे मश्क बढ़ेगी, मुताला बढ़ेगा, समझ आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, आज के हवाले से कोई सवाल किसी का? काफी आज के लिए। यस सर, काफी है। कैसा लग रहा है आप लोगों को खत रुका सीखकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लेकिन ख्वाहिश है हम हमें भी आ जाए ऐसा। है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, तो जारी रखिएगा, फिर देखिएगा इंशाल्लाह। अभी इब्तिदा है, 5 क्लासेस हुई हैं, तो जैसे जैसे
वक्त बढ़ेगा, मश्क बढ़ेगी, मुताला बढ़ेगा, तो इंशाल्लाह आके जाएंगे। कहते हैं ना कि हज़रत अली करम अल्लाह वजह का फरमान है, الخط مخفي في تعليم الأستاذ وقوامه في كثرة المشق ودوامه على دين الإسلام, कि खत जो है वो उस्ताज की तालीम में छुपा हुआ है, खत के जो असरार हैं, उसके जो राज हैं, रमूज हैं, वो उस्ताद की तालीम में छुपे हुए हैं, और उसकी पुख्तगी कसरत मश्क में है। जितनी ज़्यादा मश्क होगी उस कदर आपका खत पुख्ता होता चले जाएगा। फिर मश्क की तीन किस्में हैं, मैं बयान किया करता हूँ। फिर इसी तरह दवाम हो आला दीन इस्लाम, कि उसका जो दवाम है यानी आप उसको कंटिन्यू जो रखेंगे और वो बाकी जो रहेगा वो दीन इस्लाम की बुनियाद पर, यानी जिस कदर हम कुरान सुन्नत के पाबंद होंगे उस कदर हमारे काम में रूहानियत पैदा होगी। तो सिर्फ लिखना ही नहीं है, जिस तरह हरूफ को तराशना है आपने, हरूफ को साफ सुथरा लिखना है, साथ साथ दिल की सफाई भी करनी है, कि सफाए खत असफाए दिल अस्त, ये खत की सफाई दिल की सफाई से, दिल साफ होगा तो खत साफ होगा। तो अपने दिलों को भी साफ रखना है हर किस्म के गुनाहों से और हर किस्म के कदूरतों से, हर किस्म की बुरी चीज़ों से अपने दिल को साफ करना है, इखलास के साथ सीखना है। हमारा मकसद कोई ये ना हो कि हम इसके ज़रिए से कोई पैसा कमाएंगे या फिर आगे जाके, तो वो पैसा ज़िमनी चीज़ है, उसका वादा तो अल्लाह ने कर रखा है, और ये वैसे भी हज़रत अली करम अल्लाह वजहहु के फरमान के मुताबिक रिस्क की चाबी है। तो रिस्क तो आएगा ही, लेकिन हमारी नीयत अभी ना हो, हम तो बिल्कुल मुब्तदी हैं, फ़न की खिदमत मतलूब हो कि हम इससे कुरान लिखेंगे, अल्लाह का नाम लिखेंगे, तो एक एक हर्फ के बदले हमें कई कई नेकियां मिलेंगी, अल्लाह का जिक्र कर रहे होंगे, अल्लाह की याद में, अल्लाह के ध्यान में होंगे, ज़ाती सुकून मिलेगा, सब्र मिलता है, एक वैसे भी एक ये स्पिरिचुअल थेरेपी है ये, तो और फिज़िकल थेरेपी भी है कि आपको वो कहते हैं ना कि खत्तात जब लिख रहा होता है तो लिखने के दरमियान जब तक वो किसी स्ट्रोक को मुकम्मल नहीं करता उसका सांस भी रुका हुआ होता है। ये आप नोट कीजिएगा, जब तक आप लिख रहे होते हैं आपका कलम कागज़ पर होता है तो आपके जो सांस है ना वो भी नहीं चल रही होती आपकी सांस, तो जैसे ही आप स्टॉप करते हैं तो फिर आप सांस ले लेते हैं। तो हम लाहौर गया हुआ था मैं बिल्कुल, तो वहाँ उस्ताद दाऊद बख्ताश तुर्की के बड़े खत्तात वो तशरीफ़ लाए हुए थे, तो वो अज़राए मिजाह उन्होंने ये बात अर्ज़ की कि किसी ने उनसे पूछा कि सर आप लिख रहे हैं और लिखते हुए आप बोलते नहीं हैं कुछ, तो कहने लगे भाई लिखते हुए बोलना तो दूर की बात, लिखते हुए तो हम सांस भी नहीं लेते, इसलिए कि फिर अज़राए मिजाह उन्होंने कहा कि जिंदगी की सांसें गिनी चुनी हैं, खत्तात अपनी सांसें लिखते हुए बचा कर रखता है, इसीलिए बाद में अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी अता फरमाते हैं। तो ये है कि हम बचा के रखते हैं तो अल्लाह ताला लंबी जिंदगी अता फरमाएंगे इंशाल्लाह, और दुआ करें कि लंबी जिंदगी जो हो वो लोगों की नफा रसानी के लिए हो, लोगों को फायदा पहुँचाने की, क्योंकि जो लोगों के जरिए से जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा होता है अल्लाह ताला उसकी उम्र लंबी फरमाते हैं। तो हम ये सोचें कि लोगों से हमें फ़ायदा हो, खुद भी हम सीधे रास्ते पर गामजन हो, खैरुन्नास मन यन्फ़ाउन्नास का मिसदाक हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिलों को साफ़ रखें, फिर हमारे कलम में भी उस कदर शफाफियत और नूरानियत और रूहानियत आएगी इंशाल्लाह। तो नजरी फिक्री और अमली मश्क जारी रखनी है आपने, नजरी मश्क उस्ताद के काम को देखना है, सोचना है कि फिक्री मश्क उस्ताद के काम को देखकर कैसे लिखा जाए, गौर फिक्र किया जाए, फिर अमली यानी कलमी मश्क कि उस्ताद के काम को देख भी लिया, सोच भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, अब कलम से उसको कैसे अदा करना है, तो ये तीनों जब मश्कें होंगी तो फिर देखें आप कैसे तरक्की करते हैं इंशाल्लाह। मुझे दुआ में याद रखिएगा, फी अमानिल्लाह, मुलाकात होती है इंशाल्लाह परसों।
في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام سر. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.